इंडियन साइंस कांग्रेस के 108th सेशन में डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने एक अचीवमेंट के बारे में बताया है और वो ये है कि इंडिया ने भी साइबोर्ग रैट की टेक्नोलॉजी में अपना फेज 1 कंप्लीट कर लिया है। साइबोर्ग टेक्नोलॉजी में हम किसी लिविंग बींग्स के शरीर में कोई रोबोटिक पार्ट जोड़ते हैं जिससे कि हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें अननेचुरल पावर दे सकते हैं। इंडिया ने अभी इसे लैब रैट्स पर इस्तेमाल किया है जिसमें कि उनके ब्रेन की सर्जरी करके उनमें किसी तरह का ट्रांसमीटर फिट कर दिया गया है और उनके सर के ऊपर एक कैमरा लगा दिया गया है जिससे कि साइंटिस्ट उन रैट के मूवमेंट को अपने मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं और इन कंट्रोल चूहों को बड़े से बड़े मिलिट्री ऑपरेशन में यूज किया जा सकता है। फेज 1 थोड़ा पेनफुल तरीका है पर फेज 2 में बिना किसी सर्जरी के उन चूहों को उनके प्लेजर पॉइंट के जरिए कंट्रोल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि साइबोर्ग टेक्नोलॉजी केवल भारत ही डेवलप कर रही है बल्कि चाइना इसमें काफी आगे भी निकल चुका है। चाइना ने अपने एक रिपोर्ट में बताया कि वो बीटल्स तक को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आने वाले समय में हम एनिमल्स को भी अपने लड़ाई में घसीटने वाले हैं।